बस तो रात को गाइस थोड़े लेट हो गए थे यहाँ पर। अपा होटल पे 12 बजे पहुँचे हैं, इसी करके मैं रात को ब्लॉग वगैरह बनाने नहीं पाया क्योंकि अंधेरे में क्या दिखाता मैं आपको। तो शुरू करते हैं गाइस अपना न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडिंग स्टाइल। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में क्योंकि बाइक में मार लेते हैं गाइस कपड़ा, क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो रही है। दिखाते भाई अपनी बाइक के हो चुकी है यहाँ रेडी और अपनी गाड़ी। भाई ये जाम लग गया, आपा जा रहे हैं अब केदारनाथ यात्रा करते हैं गाइस अपनी जा रही है। देखो यहाँ का व्यू देखो कितना शानदार है। ये बाइकें वगैरह रेडी हो चुकी है गाइस अपनी, अपन ने चैन ल्यूब वगैरह कर लिया। ये देखो कोई गली अंकित कोई दिक्कत नहीं है, अब मैप निकाल लेंगे। पड़ेगा क्या ये तो बता दे। हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, किस में जाएगा बैठ के जहाज पे, जहाज में बैठ। क्या हो गया भाई? बहुत ज्यादा लंबा जाम है, ये बहुत ही लंबा जाम। बाकी देखते हैं अब आगे तक, जहां तक अपनी बाइक जा सकती है तो वहां तक तो ले जाएंगे। भाई गाड़ियों का तो बहुत ही औखा है गाइस, अपने साथ एक गाड़ी भी है, देखते हैं वो कब पहुंचेगी। बाकी भाई बाइक तो लेके जा रहे हैं। भाई ये देखो सामने क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे भाई, वादियाँ एक से एक देख रहे हो, बर्फ के पहाड़। आगे आपको भी ले जाते हैं भाई। गाई जी एक इच्छा थी भाई अपनी बाइक लेके आनी है, आज वो सपना पूरा हो गया अपना। भाई अपनी बाइक है और राइड पे आए हुए हैं। सोन पर आग की चाय अपनी आ गई है, यात्रा अपनी शुरू करते हैं भाई आगे की। भाई ये यहाँ से चाय वगैरह अपनी बनवाई थी फिलहाल। भाई ये देखो क्या ही बढ़िया नज़ारे हैं आगे। यात्रा होगी भाई अपनी स्टार्ट केदारनाथ की, आपको ऊपर दिखाते हैं अभी नज़ारे आगे। यहाँ सोन पर आग से हम ऊपर चल चुके हैं, हम आगे के नज़ारे दिखाते हैं अभी यहाँ से। भाई गौरीकुंड के लिए अपन ने टैक्सी ले ली यहाँ पे। तेजी जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल पड़े हैं टैक्सी लेकर गौरीकुंड के लिए, वहाँ से करेंगे अपा पैदल यात्रा शुरू। फिर आगे प्रसाद ही मिल सकती है ना भाई, और बर्फ भी मिलेगी। 2 बजे के बाद हो रही है भाई बारिश, 2 बजे के बाद बारिश हो रही है वैसे तो डेली। ये भैया है हमें छोड़ के आएंगे गौरीकुंड तक। भाई गौरीकुंड पहुंच चुके हैं आपका, आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे यहाँ के। भाई पहाड़ देखो ऊपर के, ये देखो क्या ही गजब का सीन है यहाँ पे। ये देखो पीछे ऐसे ऐसे पहाड़ यहाँ पे, खतरनाक एकदम। भाई बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक होने वाला है ये वाला केदारनाथ का, आपको सारा मंदिर वगैरह दिखाएंगे महादेव जी का। यहाँ भाई अपनी मैगी तैयार हो रही है, भाई जी अपनी मैगी तैयार कर रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रखी है भाई अपनी, बाकी आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। फिलहाल भाई मैगी खाएंगे यहाँ पे, खच्चर वगैरह हैं ये। बाकी ये ना लो यार, ये देखना कितने मोटे मोटे बंदे यहाँ खच्चर पे जा रहे हैं। भाई अपने पेटों में दम हो तो भाई पैदल जाओ यहाँ से, बेचारे खच्चरों पर जा रहे हैं भाई, इनकी बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पर, दुर्गति कर रखी है भाई इनकी इन्होंने। सरकार को ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। देखो भाई ये अपनी मैगी तैयार हो रही है यहाँ, यात्रा जा रही है अभी केदारनाथ की। आगे दिखाते हैं आपको ब्लॉग।
दो दो मिनट बाद रुकना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है एकदम। बाकी अभी 20 किलोमीटर और रह गया, 22 किलोमीटर आगे तो बहुत, 10-12 किलोमीटर चढ़ गया। नजारे देखो भाई जी, आगे क्या ही खूबसूरत नजारे। ये ग्लेशियर देखो भाई, यहाँ लगता खच्चरों का यहाँ पे। ये देखो क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहा हूँ। क्यों क्यों क्या हो गया, क्यों बना रहे वीडियो? बना रहा हूँ भाई। क्यों क्या हो गया, कमाल कर रहा है तू। ये हाल होते हैं भाई यहाँ पर खच्चरों के, खच्चर वगैरह ले करो भाई। एक बहुत ही बेहतरीन जगह दिखाता हूँ भाई आपको, अभी बिल्कुल मेरे सामने, आंखों के सामने है बिल्कुल। आपको अभी एक बिल्कुल बेहतरीन जगह दिखाता हूँ। सांस चढ़ी पड़ी है भाई, हालत ख़राब है। आपको जगह दिखाता हूँ, जगह देखना। देखो भाई ये देखो, क्या ही जबरदस्त जगह है यहाँ पे। कुछ ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं भाई, ये देखो कल्ला ही चढ़ जाता है ये भाई। देखो कैसे लेके जा रहे हैं भाई, मैं बैग लेके औखा होगा चढ़ना, और ये ऐसे बंदे चढ़ा रहे हैं भाई ऊपर। ये देखो भाई खतरनाक पुल हिल रहा है भाई। ये देखो फोन वीडियो हिल रही है ना भाई, पुल इस तरह ही हिल रहा है, झूले खा रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं ना। ये देखो भाई खतरनाक भाई, यहाँ से चढ़ाई पूरी जबरदस्त वाली, शॉर्टकट मारते हुए। बाकी यहाँ से नज़ारा देखो भाई, ये सांस चढ़ गई पूरी। ऊपर का सीन देखो भाई, कड़े खतरनाक हो रहा है भाई, शॉर्टकट मारते हुए यहाँ से। बच गई भाई 2-3 लेडीज भी यहाँ से, ऐसे तो हम भी यहीं से ही आए हैं, लेकिन लेडीज वगैरह भाई यहाँ से नहीं आ रहे। बाकी व्यू देखो भाई ऊपर का खतरनाक, एक नंबर व्यू हो रहा भाई। ये देखो भाई कहाँ कहाँ से शॉर्टकट बज रहे हैं, कहाँ कहाँ से शॉर्टकट भाई। वो तो बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ रहा था, अभी यहाँ शॉर्टकट मारते हुए पहाड़ों के बीच में से सांस चढ़ रही है भाई पूरी फुल दबा के। पूरा एडवेंचर हो रखा है भाई जी यहाँ पे, मज़ा आ रहा है पूरा। ये देखो भाई शॉर्टकट मारते हुए पूरे नज़ारे लेते हुए, एडवेंचर करते हुए पूरे स्वाद आ रहे हैं भाई। आपको आगे की यात्रा भी दिखाएंगे भाई। वीडियो को मज़ा आ रहा है तो भाई अपने वीडियो को करो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, चैनल को करो सब्सक्राइब, राइडिंग स्टाइल को एक से एक वीडियो देता रहूँगा ऐसे ऐसे। बाकी ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, आपको मंदिर वगैरह सारा दिखाऊंगा यहाँ से। आगे भी चलते हैं देखते हैं, बाकी यहाँ का व्यू देखो भाई, और पीछे का तो और भी खतरनाक हो रहा है ऊपर का। ये देखो ऊपर का सीन देखो, बदल उतरे हुए हैं जी पहाड़ों पे, नज़ारे हैं पूरे। आके आपको ग्लेशियर दिखाता हूँ यहाँ का भाई, पहाड़ों पे बर्फ पूरी, नज़ारे वहाँ के सारा दिखाऊंगा वहाँ का एरिया। बाकी यहाँ का ये भाई ट्रैकिंग एरिया, ये देखो तोड़कर बज रहे हैं गाइस पूरे फुल नज़ारे भाई ट्रैकिंग करते हुए। भाई ये अपना सीधा रास्ता आ रहा था, और हमने ये शॉर्टकट ले लिया यहाँ से पहाड़ों के बीच में से। अब यहाँ पर आ गए भाई आगे, यहाँ से शॉर्टकट पर चल रहा है अपना, फुल नज़ारे लेते हुए गाइस। भाई हम जिस जगह पे अभी रुके हैं आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, वहाँ का बहुत ही शानदार व्यू है भाई वहाँ का। ये देखो क्या ही बेहतरीन नज़ारे यहाँ के, क्या ही जबरदस्त नज़ारे यहाँ के। देखो फॉग पीछे भाई हिमालय पे पूरी बर्फ, ये देखो भाई नज़ारे यहाँ के भाई। देखो फॉग भाई, बादल तो अभी बिल्कुल मौसम साफ था एकदम ऐसा हो गया।
फॉगी फॉग और कुछ नहीं दिख रहा, दिखाई दे रहा भाई। अब भाई कल रात अपा कैंप में रुक गए थे, ऐसे ऐसे यहाँ पर सारे कैंप लग रहे हैं। कल रात हम यहाँ रुक गए थे और भाई बहुत लेट हो गए थे, शरीर बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर नहीं पाया। बाकी भाई यहाँ से निकल के जब हम मैं टेंट से भाई बाहर आया सुबह, अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 5, तो आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ के सामने भाई बर्फीले पहाड़ पूरे, भाई टेंट में से निकल के भाई मुंह भी धोया अभी फिलहाल, आगे कहीं देखते हैं, नहाएंगे धोएंगे बाद में। तो अभी फिलहाल निकल चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग भाई, हो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल राइडिंग स्टाइल। तो भाई आज आपको लेके जाते हैं बाबा के दरबार, आपको दर्शन दिखाते हैं वहाँ के, क्या दर्शन है भाई। अभी चल रहे हैं क्योंकि हम एक किलोमीटर पीछे थे वहाँ से, तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं भाई, दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे, पीछे का नज़ारे देखो भाई, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ बस भाई। सामने से सूरज देवता निकलते हुए, अभी थोड़ी देर में भाई ऊपर आ जाएंगे, देखना बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। पहुँच चुके भाई, ये गेट आ गया यहाँ का, आगे अभी आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई यहाँ के। हर हर महादेव, शंभो। पीछे भाई अपने हेलीपैड की जगह है यहाँ पे, बाकी पहुँच चुके हैं भाई बाबा के दरबार। अभी थोड़ी देर में मंदिर दिखाते हैं आपको यहाँ का, फिलहाल तो यहाँ के नज़ारे लो। ये अपने साथ सारे भाई लोग, हर हर महादेव। दर्शन करने के लिए भाई यहाँ से टोकन ले, उसके बाद बाबा जी के दर्शन करने जाए, टोकन लेके उसके बाद मिलते हैं गाइस आपको। भाई ये टोकन पर्ची यहाँ मिलती है, ये जो आपके आधार कार्ड है गाइस फिर ठीक है, ये नहीं है जब भी मिल जाएगी पर्ची, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कोई मतलब रोला नहीं है कि आधार कार्ड हो जरूरी हो आप उसमें, भाई डॉक्यूमेंट हो चाहिए ना हो पर्ची मिल जाएगी। कोई रजिस्ट्रेशन कोई कुछ नहीं कराया हमने, हम तो भाई ऐसे ही आ गए थे, बाकी भाई किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं आती यहाँ पे। फिलहाल आपको आगे का व्यू दिखाते हैं भाई, धूप अभी प्रॉपर नहीं आई है, बाकी सूरज देवता जी यहाँ पर थोड़ी देर में ऊपर आ जाए, आपको प्रॉपर नज़ारे दिखाएंगे आगे। भाई मंदिर में पहुँच चुके हैं, ये देखो हर हर महादेव, देखते हैं कहीं जब भी लाइन वगैरह में लगेंगे। भाई भीड़ तो हो रही है, ठीक ठाक भीड़ है, सुबह ही आ गए थे, बाकी लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी है भाई। अभी देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं बाबा जी के, हाँ वो आगे का सारा नज़ारा दिखाते हैं भाई, दर्शन करो महादेव जी के। देखो पीछे से सूरज की किरणें पड़ती हुई, भाई अब केदारनाथ पे पहुंच चुके हैं मंदिर में, मैं जिंदगी में पहली बार आया हूँ, दिल खुश हो गया भाई, बहुत ही अल्टीमेट जा रहे भाई यहाँ भाई, यू ही चेक करो क्या ही खतरनाक। एक घंटा हो गया भाई लाइन में लगे हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे, देखिए भाई पूरा, ये देखो यहाँ से पूरी भीड़ है भाई, अभी भाई वहां तक जाना है, अभी बहुत भीड़ है भाई, सुबह उठ के भी कोई फायदा नहीं होता। बाकी भाई वीआईपी दर्शन कर रहे हैं बंदे यहाँ 2100 रुपए में, ये देखो भाई ये बीन भाई, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं आगे, ये देखो भीमशिला यहाँ पे, ये ऐसे अंदर के दर्शन वगैरह कर लिए भाई, भाई अंदर अपना फोन अलाउड नहीं है, बाकी अभी आगे दिखाते हैं आपको।
आदियों के नजारे यहाँ के, ये देखो यहाँ पर भाई ये मंदिर, भोले बाबा का नाम लेने से कहते हैं बुलबुले उठते हैं पानी के अंदर, आपको अंदर के दर्शन दिखाते हैं यहाँ के भाई, बुलबुले छूटते हैं यहाँ पे नाम लेने के भोलेनाथ जी का, आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो बहुत ही भीड़ लगी होती है, घुमाना भी तो बोलूंगा ना, महादेव का नाम लेने से देखो भाई ये बुलबुले छूटती है महादेव का नाम लेने से, जय शंकर भगवान, हर हर महादेव, हर हर महादेव, देखो ये तेज हो रहे हैं ना ये, ओम नमः शिवाय, इतनी तेज आप नाम लोगे वैसे ऊपर बुलबुले, ओम नमः शिवाय, ये देखो ओम नमः शिवाय, शॉर्टकट रास्ते लेते हुए भाई यहाँ से चल रहे हैं भाई, बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, राइडिंग स्टाइल को अपने भाई को फुल सपोर्ट करें, बाकी हम वापसी हो गए केदारनाथ से, बाबा जी के दर्शन कर लिए थे हमने भोलेनाथ जी के, बस अब वापसी भी चल रहे हैं भाई, हर हर महादेव भोलेनाथ। ये भाई हमारे बंदे यूएसए की डोंकी लगाते हुए सारे, डोंकी डोंकी भाई केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं फिलहाल, तो वापसी जा रहे हैं भाई सारे, हर हर महादेव। चलो जी अब हम गुजर रहे हैं अनार के बाग देखते हुए, ये सारे यहाँ पर अनार के बाग है, बहुत प्यारा दृश्य है, ये आपको यहाँ के दिखाते हैं नजारे, और भी शॉर्टकट लेते हुए यहाँ पे रास्ता का, ये देखो अपनी पूरी टीम फुल नजारे लेते हुए बाग, देखो यहाँ के हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय केदारनाथ, जय हो, पूरे फुल नजारे लेते हुए भाई, शॉर्टकट ले रहे थे, लॉन्ग कट हो रहा है थोड़ा सा, हर बारी जैसा हमारे साथ होता है, हमारी टीम पीछे पूरी।